बोल आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा झूला आएगा, इसमें मैं झूलूंगा। तो क्रियांश का झूला आएगा धनतेरस के अवसर। बाकी की खरीदारी करनी है तो चलते हैं। तो हम जाएंगे ज्वेलरी शॉप। ज्वेलरी शॉप चलते हैं। बहुत एक्साइटेड है वहाँ जाने के लिए। कपड़ा तो ले लिया जी, इसके बाद जी देख रही है कोई अच्छा सा पहनना। एक झूला है प्यारा सा जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी बज रहे हैं जी शाम के 5 और हम लोगों को दिवाली के लिए कुछ खरीदारी भी करनी है और छठ के लिए भी कुछ ना कुछ लेना है क्योंकि छठ के समय अगर खरीदारी करेंगे तो उस समय जो है उस सामान का जो कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है कैसा होता है। तो जिया भी उधर इंतजार कर रही है तो चलते हैं। तो बहुत इंतजार के बाद प्रतिदेव जा रहे हैं। कल भी हम सोचे थे कि जाएंगे तो नहीं गए साथ। तो आज अभी जा रहे हैं। अच्छा तो भी अभी शाम के 5 बज रहे हैं। तो अभी आ गए हैं जी हम लोग बाटा के शोरूम और यहाँ पर देख रही है जिया कुछ अपने लिए मल्टीपर्पज चप्पल, इसको पहन के बाहर भी जा सके घर में भी पहन सके। तो जिया के पास एक ऐसा चप्पल था लेकिन वहाँ जो है कहीं छूट गया है। कहाँ छूटा था जिया? मंदिर में छूट गया था। वैसे बाकी की खरीदारी करनी है तो चलते हैं। तो हम जाएंगे ज्वेलरी शॉप। ज्वेलरी शॉप चलते हैं। बहुत एक्साइटेड है वहाँ जाने के लिए। हम लोग तो गए थे जी पास के ही ज्वेलरी शॉप लेकिन वहाँ पर जो हमें चाहिए था वो हमें मिला नहीं। तो बगल में ही यहाँ पर अच्छा मिलता है नाश्ता, झालमुरी सब और कचरी सब कुछ मिलाकर। तो यहाँ पर आ गए खाने के लिए, चलते हैं। दो नाश्ता। यहाँ हमारा नाश्ता आ गया जी और लगभग खत्म भी हो चुका है। मजा आया? बहुत मजा आया। थोड़ा तीखा भी है ना और मजा आ रहा है। One hour later. हम लोग को जी और भी बाकी खरीदारी सब करना था तो उसके लिए हम लोग जो है निकले थे वहाँ से अपना पेट पूजा करके। लेकिन जैसे ही बाहर निकले भाई साहब जाम में फंस गए हम लोग। आधा घंटा। और इतनी जाम है कि आगे बढ़ना मुश्किल है। 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। फिलहाल मैं आपको जाम का एक नज़ारा दिखा देता हूँ जैसा है जाम इधर। तो अब देखते हैं जाम से कब निकलते हैं और बाकी की खरीदारी अब तो पोस्टपोन कर रहे हैं। अब जो भी करेंगे कल करेंगे, सुबह के टाइम में आएंगे उसी समय करेंगे क्योंकि अगर अभी गए कुछ खरीदारी करने मालूम चला वो बिल्कुल तो कोई ठीक नहीं है। और तब तक शॉप भी बंद हो जाएगा 9 बजे 10 बजे करीब। लेते हैं उधर अगर खुला होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जाम होगा तो नहीं। कुछ कपड़ा लेना था उसके दादा दादी ने बोला था लेना है, क्या करेंगे अब ऐसे जाम में। गाँव से हमें मुक्ति मिली और फिर हम लोग निकल गए और पहुँच गए फर्स्ट ट्राई के पास। यहाँ तो हम पहले आए हुए हैं, किया का फर्स्ट टाइम होगा यहाँ आया हुआ। कपड़ा तो ले लिया जी, इसके बाद जिया देख रही है कोई अच्छा सा पालना उसके लिए। हम नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं। झूठ मत बोलो, तुम देख रही हो। आप तो बहुत यहाँ लेने वाले थे, हम मना करके रखे थे इस वजह से। तो एक ये पसंद आया लेकिन ये नहीं लेंगे, पिंक है। अच्छा। बाबू को पिंक, पापा को ब्लू पसंद है, ये बॉयज है तो उसके लिए ब्लू लेंगे। ब्लू देख रहे हैं, सेम यहाँ पे भी है। लेकिन इसमें है क्या, दो है स्टोरी तो उतना जरूरत है नहीं। इसमें सिंपल सा बस एक लेना है, इसमें व्हील है ये अच्छा रहेगा घुमाने में भी। दिया हुआ है ना, ठीक। और एक ये है, इसमें क्या है ना कि रिमोट दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है जो मतलब इसमें गाना भी बजेगा और ये खुद भी ऐसे। उतना जरूरत नहीं है, उतना गाना खुद बजा देंगे। और हाथ से झूला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रियांश के लिए जी हमें यह पालना एक पसंद आया है, बाकी देखेंगे एक बार घर में भी डिस्कस कर लेंगे कि कैसा है। तो भैया बोल रहे हैं कि जब ये लगेगा तो और भी सुंदर लगेगा, है ना भैया? ये पूरा सेट नहीं हुआ है ना अभी, इसके ऊपर नेट नहीं सेट हुआ है, स्पेस कम था इसलिए पूरा इंस्टॉल। अच्छा चलो कोई नहीं, बाकी सब्सक्राइबर सब भी देख रहे होंगे, आप लोग भी कमेंट करके बताइए क्या लेना चाहिए। या सकते हैं एक झूला है प्यारा सा जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इधर पतिदेव बिलिंग करवा रहे हैं तो यहाँ बाबू के लिए बॉटल ले रहे हैं। एक बार ऑनलाइन लिए थे ना तो लीकेज हो रहा था पूरा, वही सामने से देख रहे हैं इसलिए सामने से देख रहे हैं। ठीक है ठीक है। The next day. अभी बज रहे हैं जी सुबह के 7:30। अपना जो भी काम था सुबह का वह निपटा लिया है। क्रियांश फिलहाल अपने दादा दादी के पास है, नीचे अपना खेल रहा है। वह जो है सुबह 6 बजे उठ जाता है और क्रियांश को जो है नीचे लेकर के चले जाते हैं दादा दादी के पास। और अभी मौसम बड़ा बेहतरीन है जी, देख सकते हैं मैं धूप के सामने खड़ा हूँ। आज से ठीक 1-2 महीने पहले ऐसा मौसम था कि 7 बजे ही इतना कड़ा धूप होता था कि वहाँ पर खड़े रहने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन अभी का मौसम बड़ा मस्त है, धूप का आनंद भी लेना चाहिए। अब जो है क्रियांश का मालिश भी होगा और क्रियांश को सुबह का धूप लगाते हैं जो कि उसके लिए काफी अच्छा रहेगा। और यहाँ बात कर ही रहे थे क्रियांश की तो क्रियांश जो है ऊपर आ रहा है। आ जाओ क्रियांश, आ जाओ आ जाओ। बाबा बोले कि
मेरा पोता सोएगा, हमको तो नहीं लग रहा है कोई लक्षण है सोने का क्रियांश। अभी तो नहीं लग रहा है कोई लक्षण। तब भौंक रहा था उसको देख के, जो रोया अभी लग रही। वाह, तब इसका मालिश भी होगा ना, मालिश कर दो, धूप भी अभी अच्छा है, धूप भी लग जाएगा। मारा अच्छा मारा, दूध पिया तो मालिश नहीं करेंगे। शर्मा रहा है, गंदू बोल दे दो सबको। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा झूला आएगा, इसमें मैं झूलूंगा। तो क्रियांश का झूला आएगा धनतेरस के अवसर पर। और अगर ये ज्यादा रोएगा जाकर के सारे कपड़े रिटर्न कर। ऐसी बात है, है ना क्रियांश? जैसे कि क्रियांश को बहुत समझ में आएगा, छोटे थे तो मम्मी ये सब। वैसे इसको कपड़ा पहनना अच्छा नहीं लगता, वैसे चाहता है कि बिना कपड़े के रहिए। कौन है ये? तो मेरा बेबी नहीं, ये मेरा बेबी है। तो कैमरा पे ध्यान चला क्या? पूछी ले लेंगे क्रियांश का, पूछी ले लेंगे। अच्छा एक बार डिशूम कर दो तो, क्यूट से बेबी को डिशूम। बहुत खुश होता है। बिल्कुल, इसको धूप लगाओ ना सुबह का, अच्छा रहेगा। चलते हैं ऊपर ही। चलो चले, चलो पापा। चलते यहाँ जो है छत पर आ चुका है, वो देख सकते हैं अपना यहाँ जो है कुछ नया हरकत सीखा है, लग रहा है जैसे संग ठुक रहा है। बहुत व्यस्त है क्रियांश, जब से आया है अपने काम पे लगा हुआ है, एक मिनट की भी इसको फुर्सत नहीं, एक सेकंड के लिए भी फुर्सत नहीं, मिनट की क्या बात कर रहे हैं। इससे मत करो पापा, है ना? काम कर रहे हैं, बिजी है बहुत। ठीक है क्रियांश, कंटिन्यू काम करो तुम। ओए होए होए, बेचारा यहाँ जो है रेंगने की कोशिश करता है लेकिन जो आगे खिसक नहीं पाता है। जब क्रियांश के यहाँ सेंस आ जाएगा किस पैर को ऐसे उठाना है, फिर ये तो उठा हुआ है कोहनी के बाद, अब फिर आगे खींचना है। किया है जी, बदबू कर रहा है ये। चेक कर ले। देख लो, नहीं किया क्रिया। ये क्या है तुमने? कैमरा में बेइज्जती होगी। कैमरा में बेइज्जती हो रही है तुम्हारी? सच में मुझे लगा बहुत ठीक है, लेना चाह रहे कैमरे को। चला खिसकना चाह रहा है, खिसक नहीं पा रहा है। जाओ कैमरा ले लो। कोई नहीं, एक समय आएगा जब क्रियांश खिसकेगा बहुत ही अच्छे से। फिर लग गया काम। तो क्रियांश जो है छत से नीचे आ गया है, इसकी मालिश हो गई है, और क्रियांश जो है अब क्या करना चाह रहा है? घूमना चाह रहा है क्या? ये फिर से छत पर चले, लेकिन धूप है अब थोड़ी तेज हो गई है धूप। A few moments later. हाँ तो मम्मी भी आ गई है जी, और मम्मी जो है अब लग गई है आज के खाने की तैयारी में, और हमको भी लग गई है भूख। तो कुछ नाश्ते के लिए है? नाश्ता के लिए सामान का कोई कमी नहीं, नीचे में सेब है। अच्छा, फल है? फल भी है। कुछ हैवी नाश्ता चाहिए हमको? अच्छा, मिठाई खा लेते हैं। सत्तू है? सत्तू किधर? सत्तू वहाँ होगा डिब्बा। ये वाला है क्या? उधर सबसे लास्ट में मिलता। अच्छा ये वाला है, सत्तू ही पी लेते हैं। नींबू होगा? निश्चित रूप से होगा। ठीक है, सब सत्तू ही पीते हैं। तुम भी पियोगे सत्तू? नहीं पियोगे? इसको भगवान जाने क्या चाहिए। तो क्रियांश के अब नहाने की बारी हो गई है जी, इसका हो चुका है लगभग दो बार मसाज, और उसके बाद जो है अब ये नहाएगा, उसके बाद हम भी जाएंगे नहाने, और नहा करके जो है पापा का कोर्ट जाने का टाइम भी है। पापा खा पी करके कोर्ट निकलेंगे, उनको कोर्ट छोड़ेंगे, और फिर हम लोग चले जाएंगे मार्केट। कुछ खरीदारी है जो बाकी रह गई, कल हम लोग खरीद नहीं पाए क्योंकि कल था बहुत ही जाम, और जिसकी वजह से हम लोग जा नहीं पाए। तो सवेरे 3 बजे के अंदर चले जाओ तो वहाँ भीड़ नहीं रहेगी। तुम तो आज जा रहे हैं दीपावली, हम तो बहुत दिन तक गए हैं। वरना कल जो फंसे थे जाम में, पूछिए मत क्या जाम था भाई। तो जाता है तो हम नहीं जाते क्या? कोई बात नहीं, तुम्हारी खरीदारी सारी हम लोग ही कर लेंगे। जहाँ तक ब्लॉगिंग की बात है तो तुम अपना ब्लॉग काम करो, मेरा बताना है। अच्छा, तो इसी को नहाना ही है हमको? ब्लॉगिंग, ये भी ब्लॉगिंग करेगा। बोलो नमस्कार जी। बोले नमस्कार जी। क्रियांश का हो गया जी नहाए नहीं, और क्रियांश जो है अपने बाबा को देख रहा है पूजा करते हुए। जय जय कर रहा है। जय जय कर रहा है, बहुत गौर से देख रहा है। तो दीदी भी लग रहा है अपना तैयारी कर रही है नहाने की, लेकिन अभी जो आज प्रदोष है। अच्छा, तो प्रदोष का पूजा प्रदोष काल में होता है, मैंने सूर्य डूबने से पहले। ओके, तो थोड़ा लेटेस्ट लेट से नहाएगी, इसलिए पोता एकदम तैयार होकर के आ गया है नहा के। ठीक है, पोता नहा कर गया, जब बाबा इसको नहा कर आएंगे तो उसको बाबा को खाने देने जाना है, तत्काल यहाँ तुम जा सकता है। बिल्कुल, और हम लोग भी नहाने जाएंगे और मार्केट भी जाएंगे। तुम जाना रखेंगे। अभी तो इसको संभालना पड़ेगा।